आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की जानिब, पौधों और जानवरों के सेल्स के दरमियान फर्क, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आइए बुक से पढ़ते हैं। पौधे और जानवर के सेल्स के दरमियान फर्क, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पौधे और जानवर दोनों के सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ फर्क होते हैं। पौधे का सेल। पौधे के सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि जानवर के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। पौधे का सेल एक बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस सेल वॉल के करीब वाकई है, जबकि जानवर के सेल में न्यूक्लियस सेल के वस्त में वाकई होता है। पौधे के सेल में बड़ा वैक्यूल मौजूद है, जबकि जानवर के सेल में बहुत से छोटे वैक्यूल्स मौजूद हैं। पौधे के सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जबकि जानवर के सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते। पौधे के सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है, जबकि जानवर के सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पौधों और जानवरों के सेल्स के दरमियान फर्क के बारे में काफी समझ आ गई होगी। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं। अब हम एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। तो चलिए आइए अब एनिमल सेल को समझने के लिए एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। आइए एक सवाल के बारे में सोचते हैं। डू यू नो, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।